गुड मॉर्निंग एवरीडी। हम लोग अपने अभ्यास की प्रश्नावली में आगे बढ़ रहे थे। कल के टर्न पे हम लोगों ने कई चीज़ें सीखी, जैसे एक्टिव पैसिव सीखा, उसके पहले करेक्शन सीखा, फिर हम आज कुछ क्वेश्चन पंक्चुएशन पे करने वाले हैं। ये पंक्चुएशन भी आपके स्टडी में, आपकी लैंग्वेज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिना पंक्चुएशन के सही ज्ञान के, पंक्चुएशन मीन्स यूज ऑफ पंक्चुएशन, कामा, इनवर्टेड कामा, स्टॉप, फुल स्टॉप, ये सब जो आप सीखते हैं, इनका इंग्लिश लिखने में बहुत बड़ा योगदान है। पंक्चुएशन के नियमों के अभाव में हम किसी भी सेंटेंस को सही ढंग से लिख नहीं सकते हैं। अगर लिख भी दिए तो हमारा, अगर सेंस देखना होगा तो हमारा सेंस सही नहीं निकलेगा। कभी कभी हम पंक्चुएशन के अभाव में अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। इस तरह बोलने में तो कोई चीज़ चल भी जाएगी, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको आपकी भाषा एकदम करेक्ट होना चाहिए, पंक्चुएशन के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। अगर पंक्चुएशन के नियमों का ध्यान नहीं दिया जाएगा तो, या नहीं दिया गया तो, सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा। कहने का मतलब, हम एक सेंटेंस हिंदी में लिखते हैं और इस पर हम पंक्चुएशन के नियम को देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ऐसे लिख दिया सेंटेंस, रुको मत जाओ, ये हमने वाक्य लिखा, एक वाक्य हो गया रुको मत जाओ। फिर दूसरा लिख दिया रुको मत, फिर मैंने कामा लगा दिया जाओ। अब हम दोनों सेंटेंस को देखते हैं, दोनों सेंटेंस अलग अलग हर दे रहे हैं। पहले सेंटेंस में रोको के बाद कामा लग गया और उसके बाद लिखा मत जाओ, रुको मत जाओ। और दूसरे सेंटेंस में लिख दिया रुको मत, फिर कामा लगाया जाओ। अब आप देख रहे हैं, अगर दोनों का अर्थ निकालेंगे तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अब दोनों का अर्थ अलग हो जाएगा, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अब जो भाषा आप बोलना चाह रहे हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हों, उसके अनुसार आप इस कामा को सेट करेंगे। कामा मीन्स हल्की रुकावट, जहाँ पर हम सेंटेंस को सेपरेट करते हैं, कई शब्दों को अलग करते हैं, वहाँ कामा का प्रयोग करते हैं। कामा मीन्स हल्का ब्रेक, मीन्स लाइट पॉज। फुल स्टॉप आप जानते हैं कि पूर्ण विराम, पूर्ण विराम हिंदी में कहते हैं फुल स्टॉप, अंग्रेजी में फुल स्टॉप, हिंदी में पूर्ण विराम। जो सेंटेंस खत्म हो जाए या हमारी बात खत्म हो जाए तो हमें उसको अंत फुल स्टॉप से करना होगा। तो कामा मीन्स हल्का विराम, हल्का पूर्ण विराम, पूरा विराम हो जाएगा, विराम माने आप जानते हैं रुकना। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा कि रुको मत जाओ, पहले सेंटेंस का अर्थ हो गया रुको मत जाओ, रुकिए, जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यही बोलना चाहते हैं। लेकिन हमने यही बोलने के लिए लिख दिया रुको मत, कामा लगा दिया जाओ, तो दोनों का अर्थ बदल गया। अगर आप रोकना चाहते हैं तो फिर आपने कह दिया रुको मत चले जाओ। तो बोलने में तो हम कुछ भी बोल दें, लेकिन जब लिखेंगे तो हमारा भाव वहाँ पर सही आना चाहिए। अगर सेंटेंस हमारा सही नहीं आएगा तो हमारा सेंटेंस मीन्स हमारा सेंस ही बदल जाएगा। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह डालेंगे कुछ, तो बोलने में तो चल जाएगा दोस्तों, लेकिन जब हम उसी को लिखेंगे तो हमें लिखने में सही सही नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अर्थात अब यूँ जानना है कि कामा कितना बड़ा रोल अदा करता है। तो यूँ आप मान के चलिए कि पंक्चुएशन मार्क्स प्लेज अ वाइटल रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन राइटिंग इंग्लिश लैंग्वेज, स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। जब तक हम इन चिन्हों के सही प्रयोग को नहीं जानेंगे, तब तक हम किसी भी भाषा को सही सही व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यही बात एग्जाम में आती है। एग्जाम में आपको सही सही प्रदर्शन करना होता है। अगर आपका प्रदर्शन सही नहीं रहा तो आपके सेंटेंस गलत होंगे और वहाँ आपको नंबर अवार्ड होने हैं। आपका करियर बनने वाला है तो आप करियर बनाने की जगह पे बिगाड़ लेंगे। इसलिए आप जो भी, वाट एवर यू राइट, वाट एवर यू से, वाट एवर यू स्पीक, स्पीक राइट करेक्टली। अन्यथा आपकी स्थिति में आपका फिजिकल नहीं, मेंटल नहीं, आपका सारा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए सारी बातों को आप समझिए, आपके दिमाग में
कोई भी चीज़ पढ़ते समय पहले तो आपकी आरटी होनी चाहिए, आरटी प्लस आरई इज इक्वल टू आरआर। अगर आपको कंपटीशन में आना है तो इन दो तीन बातों को आप फॉलो करिए। तो तीन बातों को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं और हमें सही दिशा में ही जाना, कंपटीशन की तरफ जाना है। हमने कह दिया राय आरटी, आरटी मींस बिफोर स्टार्टिंग एनी कंपटीशन, बिफोर स्टार्टिंग एनी टेस्ट यू हैव राइट थिंकिंग। आपकी थिंकिंग सही हो, आपके एम सही हो, आपके उद्देश्य सही हो, तो आरटी आपके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बड़ा रोल अदा करता है। आरटी मींस राइट थिंकिंग, तो प्रॉपर थिंकिंग आपको अच्छी दिशा में। अब प्रॉपर थिंकिंग हो गई और प्रॉपर इफेक्ट नहीं हुआ तो आप आगे बढ़ेंगे, आपकी राइट थिंकिंग होगी तो थिंकिंग से केवल काम बनने वाला नहीं है, आपका राइट एफर्ट भी होना चाहिए, तो आर ई होना चाहिए। जब आर टी हो गया और आर ई हो गया, राइट एफर्ट हो गया, आपने सही थिंकिंग किया, सही प्रयास किया, तो रिजल्ट की आपको चिंता नहीं करना है, रिजल्ट आपके फेवर का होगा। इसलिए आर टी प्लस आर ई इज इक्वल टू आर आर मीन्स राइट थिंकिंग प्लस राइट एफर्ट लीड्स टू राइट रिजल्ट। तो आपकी राइट थिंकिंग राइट एफर्ट बराबर राइट रिजल्ट, तो आपकी थिंकिंग सही, प्रयास सही, तो रिजल्ट अपने आप आपके सामने आएगा, रिजल्ट की चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो पंक्चुएशन मार्क्स और यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यह इंग्लिश को लिखने पढ़ने समझने में बड़ा रोल अदा करते हैं। मैंने सेंटेंस आपको लिखा और मैंने केवल एक चिन्ह कामा, छोटे से चिन्ह को जिसका हम वैल्यू नहीं समझते हैं, लेकिन एक छोटे से चिन्ह ने हमारे सेंटेंस का सेंस बदल दिया। इसलिए जब भी हम सेंटेंस को लिखें, जब भी हम बोलें, हमें पंक्चुएशन मार्क्स को दिमाग में रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पंक्चुएशन के नियमों का वर्णन हम बहुत विस्तार में नहीं कर सकते हैं, उसको हम फुल क्लास में कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षाओं में जब भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें हम क्वेश्चन को कुछ हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए अभी हम क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर हम बाद में फुल क्लास में इसके एक एक नियम को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब हम बिना समय गवाएं आगे देखते हैं कि हमें क्या हल करना है। तो आज का चैप्टर हमारा होगा पंक्चुएशन। कुछ क्वेश्चन हम पंक्चुएशन पर लेकर के आए हैं, आज हम पंक्चुएशन का अध्ययन करेंगे और थोड़ी थोड़ी बातों को दिमाग में रख करके सेंटेंस को सही करने का प्रयास करेंगे। देखिए आपका क्या प्रयास रहता है, हम लोग मिल करके ज्वाइंट वेंचर से सेंटेंस को सही करने का प्रयास करेंगे और सही आंसर क्या ही हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 जो आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 63 आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में ग्रामर के नियमों पंक्चुएशन के अनुसार एक सेंटेंस सही होगा। जो सेंटेंस सही है, ग्रामर के नियम मीन्स पंक्चुएशन को फॉलो कर रहा है, आप उस आंसर की तरफ अपने को ले जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि सेंटेंस कौन सा सही है। पहले लिखेंगे वाइल आई वॉच कुकिंग, वाइल आई वॉच कुकिंग द बेबी, वाइल आई वॉच कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड कैट वर स्लीपिंग। फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, देखिए वाइल आई वॉच कुकिंग, एक सेंटेंस एक साथ है तो यहाँ पर वाइल के बाद कामा नहीं लगना चाहिए, अब यहाँ पर रुकावट की कोई बात नहीं। वाइल आई वॉच कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड कैट, यहाँ पर देखिए पूरा सेंटेंस एक साथ लीजिए, जबकि कुकिंग के बाद हल्का सा पाज आ रहा है, रुकावट आ रही है, तो हमने उसका ध्यान नहीं दिया, ये सेंटेंस भी हमको सही नहीं दिख रहा है। फिर हम थर्ड सेंटेंस में बढ़ते हैं, वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी, वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं, वाइल आई वॉज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग, यहाँ पर ये मार्क यहाँ होना चाहिए, गलत लग गया है। अब इस तरह से नहीं तो दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं,
वाइल आई वाज कुकिंग आप कुकिंग पर स्टॉप लग रहा है, अगर हम कामा लग रहा है, वाइल आई वाज कुकिंग पे हल्का ब्रेक लग रहा है, तो हमें कुकिंग पर कामा लगाना चाहिए था, तो कामा यहाँ लग गया है। अब देखिए वाइल आई वाज कुकिंग, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी, अब बेबी पे कामा लग गया, जबकि कुकिंग पे हल्का ब्रेक हो रहा है, हमें बेबी पे कामा नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो बेबी से सेंटेंस बेबी हर ब्रदर, बेबी कुकिंग द बेबी, अब बेबी हर ब्रदर एक साथ है, तो ये सेंटेंस का ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो गया, ए भी रॉन्ग हो गया और ए भी रॉन्ग। एक ऑप्शन जो हम आपके सामने दिख रहा है सही ऑप्शन डी है, वाइल आई वाज कुकिंग हल्का ब्रेक द बेबी, यहाँ ये सेपरेट कर रहा है सेंटेंस को, वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड द कैट वर स्लीपिंग। इस सेंटेंस को फिर देखें, पहला सेंटेंस वाइल आई वाज कुकिंग एक साथ है, इस पर हम वाइल पर ब्रेक नहीं लगाएंगे, हल्का ब्रेक नहीं, कामा नहीं लगेगा, सेपरेट नहीं कर रहे हैं सेंटेंस को। दूसरे सेंटेंस वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एक साथ मैंने पूरा लिख दिया, जबकि हल्का ब्रेक कुकिंग पे आ रहा, वाइल आई वाज कुकिंग पे ब्रेक आ रहा है, कामा कुकिंग पे लगना चाहिए लेकिन हमने बेबी पे लगा दिया, सेंटेंस का सेंस अलग हो जाएगा। वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर द बेबी हर ब्रदर, सेंटेंस अलग हो गया, सेपरेट हो गया सब। तो हमें यहाँ ऑप्शन जो दिख रहा है सही ऑप्शन, वाइल आई वाज कुकिंग द बेबी हर ब्रदर एंड कैट वर स्लीपिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन। आप देखें 63 पर राइट आंसर आपका जो सही आंसर की तरफ ले जाएगा पंक्चुएशन के नियम के अनुसार, डी आंसर आपका करेक्ट है, इसलिए आप करेक्ट आंसर डी को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन इज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करेक्ट पंक्चुएटेड वर्जन कौन सा है, मीन्स पंक्चुएशन के अनुसार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, दिमाग में आपको ये बात रखनी चाहिए कि जब सेंटेंस कोई इनडायरेक्ट बन जाता है तो कामा और इनवर्टेड कामा सब हट जाते हैं। लेकिन अभी हम सेंटेंस पर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कनेक्टिव लगने के बाद, इनडायरेक्ट बनने के बाद भी हमने कामा और इनवर्टेड कामा इसमें हटा नहीं देखा और न देख रहे हैं। तो ऐसा वाक्य जब कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट बन जाता है, तो इनडायरेक्ट बनने के बाद, वो सीधी सी बात है इसमें आपको कोई नियम ना हो तब भी आपको इतना तो दिमाग में रखना है कि इनडायरेक्ट बनने के बाद कामा और इनवर्टेड कामा डिलीट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सेंटेंस हमारा दिया गया है ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड डिटेन माई एक्सरसाइज, यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट बनाया है, कंजंक्शन लगाया है, लेकिन कामा और इनवर्टेड कामा दोनों का प्रयोग कर दिया है, यहाँ इनवर्टेड कामा बंद हो गया है, तो आप इसको पूरे सिरे से खारिज करेंगे। आपको दिमाग में रखना है कि इनडायरेक्ट बनते समय या बन जाने के बाद कोई भी सेंटेंस में कामा इनवर्टेड कामा की कोई ज़रूरत नहीं है और ना आप कामा इनवर्टेड कामा प्लेस करेंगे। इस तरह से यह वाक्य दोस्तों आपका खारिज हो गया। फिर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, ये भी उसी तरह से लिख दिया गया है, इसलिए ये भी सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया। फिर हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ही आस्क्ड मी, यहाँ पर मी के बाद कामा फिर वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, आपको पहले मैंने बता दिया कि कोई भी सेंटेंस, अब यहाँ पर कामा है इनवर्टेड कामा नहीं दिया, तो कामा और इनवर्टेड कामा इनडायरेक्ट बनने के बाद दोनों हट जाएंगे, इसलिए आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है तुरंत दिमाग में लाते हुए कि जिसमें कामा इनवर्टेड कामा ना हो। अब हम आगे देखते हैं, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन एक्सरसाइज, यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर इनडायरेक्ट बनने के बाद कोई कामा इनवर्टेड कामा नहीं आया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर डी पे जाएंगे जो आपका करेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पर
करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस ऑप्शन नंबर डी है। फिर एक बार सेंटेंस को देखेंगे, फिर दिमाग में ये बात लाएंगे कि कोई भी सेंटेंस इनडायरेक्ट बनने के बाद कॉमा इनवर्ट कॉमा नहीं लेता है, इनडायरेक्ट बनने के बाद कॉमा इनवर्ट कॉमा डिलीट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को देखते हुए आगे बढ़ें। पहला सेंटेंस कॉमा इनवर्ट कॉमा कंजंक्शन लगा है, गलत हो गया। दूसरे में भी वही स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है। तीसरे में आप देखे ही आखिर में वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, आप चौथा देखे ही आखिर में वेदर आई हैड रिटन एक्सरसाइज, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 करेक्ट ऑप्शन डी, इसको आप टिक करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65 को आप ध्यान से देखिए, जल्दी नहीं है, जो भी करिए आप करेक्ट करिए और समझ कर करिए, यही आपका उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा में। जल्दी करें, अच्छा करें। अभी तो हम आपको चूंकि समझा रहे हैं इसलिए समय कुछ ले रहे हैं। चूज़ द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, चूज़ द करेक्टली वर्जन वर्जन इज ही विल सक्सीड यू नेवर, ही विल सक्सीड यू नेवर। आप देखिए ही विल सक्सीड कोलन सेमी कोलन भी आ गया, यू नेवर, ही विल सक्सीड यू नेवर। आप कामा का प्रयोग शब्दों को अलग करने के लिए और वाक्यों को अलग करने के हल्का विराम के लिए करते हैं। यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है, पहला सेंटेंस ही विल सक्सीड यू, अब देखिए इसका सेंस क्या, ही विल सक्सीड यू वह सफल होगा तुम नेवर, कभी नहीं। अभी मैंने शुरू में जो कामा का वो बताया था, आप दिमाग में रखिए ही विल सक्सीड यू नेवर। अब यहाँ पर सक्सीड पे कामा लगाया और यू नेवर, ये सेंटेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। अब तीसरा देखते हैं, ही विल सक्सीड सेमी कोलन नहीं लगेगा, फिर यू के बाद भी कामा लग गया जो नहीं होना चाहिए, ही विल सक्सीड यू नेवर, सेंस बदल जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से खारिज करेंगे। ही विल सक्सीड अब कोलन लग गया और फिर कामा लग गया, तो ये दोनों सेंटेंस तो अपने आप खारिज हो गए, इनको तुरंत खारिज करिए। आपको आगे देखना है नेक्स्ट पे, ही विल सक्सीड यू नेवर, यहाँ पर ही विल सक्सीड पर हल्का ब्रेक आ रहा है, तो आप जो कामा लगाएंगे वो सक्सीड पे लगाएंगे ना कि यू के बाद लगाएंगे, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। अब एक सेंटेंस जो ऑप्शन नंबर बी है, ये सेंटेंस देखिए ध्यान से देखिए, ही विल सक्सीड वह सफल होगा तुम नहीं सफल होगे, वह सफल होगा तुम नहीं सफल होगे। तो जब हम दूसरा सेंटेंस बोलते हैं तो दोनों सेंटेंस के बीच में हल्का ब्रेक आ रहा है, हल्का ब्रेक शो करने के लिए हमने कामा का प्रयोग किया, तो ही विल सक्सीड यू नेवर मीन्स तुम कभी नहीं सफल होगे, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमने कामा का प्रयोग कर दिया। तो आपका करेक्ट आंसर जो आपको आपके सामने दिख रहा है वो हो गया ही विल सक्सीड यू नेवर। तो पहला सेंटेंस रॉन्ग, दूसरा सेंटेंस राइट, तीसरा सेंटेंस रॉन्ग, चौथा सेंटेंस रॉन्ग। और क्यों रॉन्ग आप देख सकते हैं क्यों गलत है, इसकी तरफ आप बढ़िए। ही विल सक्सीड यू नेवर, यहाँ पर ब्रेक यहाँ लगना चाहिए, आप आगे बढ़ गए, यू के बाद सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा। फिर ही विल सक्सीड यू नेवर, ये दोनों सेपरेट हो गए सेंटेंस, आपका यह आंसर सही हो गया। फिर ही विल सक्सीड सेमी कोलन लग गया, फिर यू के बाद कामा लग गया जो नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। फिर आप ऑप्शन डी पे देख रहे हैं, ही विल सक्सीड कोलन लग गया फिर कामा लग गया फिर, तो यह सेंटेंस गलत हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर की तरफ ले जा रहा है, इसलिए आप इसको राइट मानते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 66 पंक्चुएट करेक्टली। आपको दिमाग में ये भी रखना है दोस्तों, पंक्चुएशन में ये पंक्चुएशन मार्क्स ही रोल नहीं अदा करते हैं, बल्कि आपकी स्पेलिंग भी आपको तो पंक्चुएशन में स्पेलिंग भी शामिल है। अगर कहीं कहीं पर जैसे कई शब्द होते हैं प्रॉपर नाउन से, इनको हम कैपिटल में लिखते हैं, अगर आपने स्मॉल में लिख दिया तो भी गलत हो जाएगा। तो कामा इन्वर्टेड कामा कोलन सेमी कोलन इनके बाद आपको स्पेलिंग पर भी दिमाग लगाए रहना है,
स्पेलिंग भी गलतियों की तरफ ले जाएगी। यहाँ पे देखिए जैसे राजेश, अभी मान लो राजेश इस्माल से लिख दिया जाता है तो प्रॉपर नाउन है, इसको आप कैपिटल से लिखते राजेश जी। मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, अब आप देखिए पहले लिखा है राजेश इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, यहाँ पर फिर देख दिया राजेश इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, राजेश इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, नन ऑफ द अबव, किसी में कामा नहीं लगाया गया। यहाँ पर दोस्तों इन वाक्यों में गलती है इस पंक्चुएशन मार्क की नहीं बल्कि स्पेलिंग की गलती है। मींस यूज आप कैपिटल लेटर्स, जहाँ आप कैपिटल लेटर प्रयोग करना चाहिए, लेटर्स स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स ये भी आपको आने चाहिए। आपको देखिए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, यहाँ पर मेट्रो स्मॉल से कर दिया गया और रेलवे भी, दोनों वर्ड कैपिटल्स होने चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे कामा इनवर्ट कामा की नहीं गलती है, राजेश इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय। दूसरा सेंटेंस देखिए मेट्रो रेलवे, यहाँ पर दोनों वर्ड आपके कैपिटल में लिखे गए, ये सेंटेंस सही दिख रहा है। राजेश इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, अब देखिए जो कैपिटल में आना चाहिए उसको स्मॉल कर दिया, एम्प्लॉय बड़े से कर दिया, एम्प्लॉय कैपिटल में नहीं लिखा जाना चाहिए, ये सेंटेंस इसलिए गलत हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, नन ऑफ दीज, अभी आप सेंटेंस में जाएंगे राजेश इज ए मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, राजेश इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, यहाँ पर स्मॉल से लेटर लिख दिया गया इस रॉन्ग हो गया, यहाँ पर यह सही लिखा गया है, इसलिए यह आपका कैपिटल लेटर यूज करते हुए आप इसको सही की तरफ ले जाएंगे तो ये सेंटेंस आपका सही हो गया। और यहाँ पर यही समस्या यहाँ हो गई, नन ऑफ द अबव में से कोई मतलब है नहीं, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, मेट्रो रेलवे, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका, यह आंसर आप सही मानते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 पंक्चुएट द, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली। जब आप डायरेक्ट नरेशन पढ़ते हैं तो जो स्टेटमेंट होता है इनवर्टेड कामा के अंदर रहता, अगर हम इसको इस तरह लिख देते ही सेट, तो ही सेट के बाद आप कामा लगाते, फिर कामा लगाते इनवर्ट कामा लिखते डोंट वरी फादर, इनवर्ट कामा बंद हो जाता। फिर एक सेंटेंस और है, फिर कामा लगा के आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब, ये दूसरा सेपरेट हो गया, ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को हम इनवर्ट कामा के अंदर रखते हैं। आपको अगर दिमाग में ये बात नहीं आती है तो पहले आप इसको सीधा कर लेंगे ही सेट, तो अगर ही सेट लिखा होता तो ही सेट के बाद कामा आ जाता, फिर इनवर्टेड कामा लगा के डोंट वरी फादर इनवर्टेड कामा में कर देते, फिर कामा लगा के दूसरा सेंटेंस आप लिखते इनवर्टेड कामा में आई विल, मान लीजिए दो सेंटेंस इस तरह लिखा गया, ही सेट डोंट वरी फादर आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब, ये सेंटेंस आपका इस तरह, तो ये दो स्टेटमेंट हो जाते हैं, ये इनवर्टेड कामा के अंदर यहाँ तक हो जाता और ये यहाँ तक हो जाता है, यहाँ ही सेट होता है, इसके बाद कामा होता है, तो आपको यही करना है ही सेट के बाद कामा। तो यहाँ पर ये पहले दे दिया गया, तो यहाँ पर यह इनवर्टेड कामा के अंदर होना चाहिए, डोंट वरी फादर सेट ही, सेट ही के बाद कामा हो जाएगा, फिर आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब। यहाँ पर आप सब सेंटेंस के ऑप्शन की तरफ बढ़िए, डोंट वरी फादर सेड ही, डोंट वरी फादर सेड ही, देखिए यहाँ पर यहाँ इनवर्टेड कामा दिया गया, इधर नहीं दिया गया, ये सेंटेंस इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस भी इनवर्टेड कामा के अंदर आना चाहिए, आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली, ये सेंटेंस गलत हो गया। डोंट वरी फादर सेड ही, ये भी इनवर्टेड कामा के अंदर नहीं है, ये भी गलत हो गया, आई विल सून लीव द विलेज। छोटी छोटी गलतियों पे जाइए, पहले तो आप ये जानिए कि जब कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी डायलॉग होगा, तो उसको इनवर्टेड कामा के अंदर रखते हैं,
किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के अंदर रखा जाता है। इन्वर्टेड कामा के अंदर अब यहाँ तो दो स्टेटमेंट है, डोंट वरी फादर है, आई विल सून द विलेज एंड फाइंड जॉब इन द ली, दोनों इन्वर्टेड कामा के अंदर ही रहेंगे। फिर ये सेंटेंस आपने देखा, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज, ये भी सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के अंदर नहीं, यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा दिया गया और वहाँ पे नहीं लगाया गया। डोंट वरी फादर सेड ही, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून रिकवर, आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली। डोंट वरी फादर, आप देखिए सेंटेंस को, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब इन दिल्ली। यहाँ पर आगे देखिए, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल लीव, तो ये सेंटेंस को आपने पहले लिखा, फिर सेड ही आई विल लीव द जॉब, यह कोई भी यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सेंटेंस गलत लिखा गया है। यहाँ पर ये होना चाहिए, इन्वर्ट कामा होना चाहिए, यहाँ पर इन्वर्ट कामा होना चाहिए, फिर कामा होना चाहिए, ये इन्वर्ट कामा यहाँ पे आ गया, ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ पर नहीं था सेड ही, और यहाँ पे कामा होगा, ये भी इन्वर्टेड कामा के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर यह सेंटेंस, इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं है, इसमें ऑप्शन नंबर सी ले जाएंगे, लेकिन जो टाइपिंग मिस्टेक है वो गलत मिस्टेक के कारण, यह आप सेंटेंस देखिए, यहाँ पर डोंट वरी, यहाँ पर दोनों इन्वर्टेड कामा के अंदर रहने चाहिए, स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है, इसलिए ये भी इन्वर्टेड कामा के अंदर रहना चाहिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा रहेगा, ये हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस वाक्य में हम देखते हैं कि ये है सेंटेंस जो है इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे इन्वर्टेड कामा रहेगा, यहाँ इन्वर्टेड कामा रहेगा, फिर ये सेपरेट हो गया, फिर ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा, स्टेटमेंट है आई विल फाइंड, यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा देंगे। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, इसको आप समझिए, डोंट वरी फादर सेड ही आई विल सून लीव द विलेज एंड फाइंड ए जॉब, ये स्टेटमेंट है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर रहेगा। इस तरह से ये सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिए, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर हो गया और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा बंद हो जाएगा, ये कामा हो जाएगा, सेड ही, फिर ये इन्वर्टेड कामा के अंदर हो जाएगा, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 67 आंसर नंबर सी आपको करेक्ट आंसर की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 68, स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, स्पीक क्लियरली इफ यू बी अंडरस्टूड, आप सेंटेंस देखिए, स्पीक क्लियरली इफ यू बी अंडरस्टूड। यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका देखिए स्पीक क्लियरली की बात सेपरेट हो रहा, अलग हो रहा सेंटेंस, तो स्पीक क्लियरली पे तो कामा लगेगा, ये क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, इसलिए यहाँ का ये सेंटेंस ऑप्शन ए वाला आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है और हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया, ये सेंटेंस ग्रामर में पंक्चुएशन के नियम के अनुसार फिट नहीं बैठ रहा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, आप तीसरा भी देख लेते हैं, स्पीक क्लियरली कामा सबके उस बात इफ यू वुड, यहाँ मार्क आप एक्सक्लेमेशन दिया गया, स्पीक क्लियरली कामा इफ यू बी अंडरस्टूड, यहाँ देखिए अपॉस्ट्रोफी दिया गया है, तो ये सेंटेंस गलत, ये सेंटेंस गलत। एक सेंटेंस जो फिट बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्पीक क्लियरली कामा
इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, सही आंसर जो होगा स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड, यही सही आंसर है। यहाँ पर फिर से देखें, ये क्वेश्चन मार्क लग गया था, ये गलत हो गया। यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ स्पीक क्लियरली से अलग हो रहा है, आपने कामा लगाया, सेपरेट कर दिया। फिर आगे आपने देखा कि सेंटेंस पे स्टॉप है, ये सेंटेंस सही है। स्पीक क्लियरली आप सेंटेंस शुरुआत सही हुई, लेकिन अंत में मार्क आप एक्सक्लेमेशन आ गया, जो नहीं आना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी वाक्य नहीं है। यहाँ पर आगे देखेंगे, स्पीक क्लियरली इफ़ यू बी अंडरस्टूड, यहाँ पर ये चिन्ह आ गया, इसलिए भी गलत हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 68 के सही ऑप्शन बी पर पहुँचते हैं। 68 का सही ऑप्शन पंक्चुएशन के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर बी, आंसर नंबर बी को हम राइट मानते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 69, टिक द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, दे इनवोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड, दे इनवोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड हिम देम, दे इनवोक्ड गॉड हु ब्लेस्ड हिम। टेक द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, आपका आंसर किस पे पहुंचता है, देखिए, दे इनवोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, ये सेंटेंस एक साथ है, इसमें किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, इनवोक्ड पे अलग कर दिया सेंटेंस, यहाँ पर स्टॉप नहीं किया गया, ये गलत है। कामा नहीं लगना चाहिए, अंत में स्टॉप आना चाहिए, यह गलत है, क्योंकि सेंटेंस एक साथ है, इसमें कहीं पर सेपरेट नहीं किया जा रहा है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन फिट नहीं है, जो उचित नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे पाएंगे दे इनवोक्ड, मैंने बताया कि यहाँ पर कोई सेपरेट नहीं किया जा रहा है, कहीं हल्का ब्रेक नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस शुरू होना चाहिए, सब्जेक्ट से अंत में आना चाहिए फुल स्टॉप, अगर इस तरह की बात को फुलफिल कर रहा है। तो देखिए, दे इनवोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये आपका एकदम सही है। थर्ड पे देखें, दे इनवोक्ड गॉड्स, यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया, हु के बाद कामा लगा दिया गया, तो जो नहीं होना चाहिए, हु के बाद कामा नहीं आना चाहिए, सेंटेंस सेपरेट नहीं हो रहा है। दे इनवोक्ड गॉड्स, यहाँ सेमीकोलन लगा दिया गया, जो नहीं लगना चाहिए। आप दोनों आंसर को देखते हुए, एक पहला रंग हो गया, तीसरा रंग हो गया और चौथा रंग हुआ, ए सी और डी गलत हैं, ऑप्शन आपका सही है, दे इनवोक्ड गॉड्स हु ब्लेस्ड देम, आपका यह ऑप्शन सही है। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 69 के सही आंसर, सही ऑप्शन बी पे आप पहुंचेंगे, इसका सही ऑप्शन बी है, यह आपका सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव। अब यहाँ पर चारों में देखिए, आई के बाद तुरंत कामा, देयरफॉर के बाद तुरंत कामा, जो नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस सिरे से खारिज करिए आप। आई देयरफॉर यहाँ पर रुके, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट एक साथ बोला जा रहा है, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट पे कामा आने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आगे है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट एक साथ, फिर आगे सेंटेंस अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर कामा है जो सही है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, ये सेंटेंस ऑप्शन के अनुसार सही है। अब आगे हम चौथे ऑप्शन पे बढ़ते हैं, चौथा ऑप्शन आपका है आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट, अब जहाँ पर रुक रहे थे वहाँ पर कामा नहीं लगा, अब ग्रांट के बाद अगर इस तरह का चिन्ह हम लगाएंगे तो सेंटेंस का सेंस बदल जाएगा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट, फिर रुके मी लीव, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे स्वीकार करिए, फिर कहिए छुट्टी, तो ये गलत है, तो ये भी गलत हुआ। तो यहाँ पर आई देयरफॉर रिक्वेस्ट टू ग्रांट मी लीव, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो एकदम सही है,
इसी को आप टिक मारते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 70 में ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, बाकी तीनों ए बी और डी गलत हैं, इसलिए आप सी को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। 71 वेल्थ में सेकस, वेल्थ में सेकस बट विदाउट विजडम मस्ट बी साट। आप देखें वेल्थ में सेकस बट विजडम मस्ट बी साट, वेल्थ में सेकस बट विजडम मस्ट बी साट, वेल्थ में सेकस बट विजडम। अब देखिए यहाँ पर बट बीच में कामा के बाद कैपिटल लेटर नहीं आता है, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये कि इसको सीधे खारिज करिए, वेल्थ में सेकस बट विजडम मस्ट बी साट। अब देखिए आंसर कौन सा सही हो सकता है। वेल्थ में सेकस एक पार्टी है, बट विजडम मस्ट बी साट, ये आपका सही आंसर है। दूसरे देखिए वेल्थ में सेकस बट विजडम मस्ट बी साट। अब दोनों सेंटेंस एक जैसे लिख दिए गए हैं, लेकिन ये यहाँ पर कामा यहाँ होना चाहिए था, ये गलत टाइप हो गया है, इसलिए इसको भी गलत करेंगे। वेल्थ में सेकस बट विजडम यहाँ कैपिटल्स हो गया, वेल्थ में सेकस बट विजडम मस्ट बी साट। तो आपका पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आप बढ़िए, देखता हूँ इसके आगे सेंट। तो अभी हम लोग इस यहीं पर अपने को रोकते हैं, आज पंक्चुएशन का रहेगा टॉपिक रहा, और इसके बाद कल हम दूसरे टॉपिक बढ़ते हैं। आज यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, कल नए प्रश्न के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।